नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूवर्स को नमस्ते। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर ये कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना ताकि आपको मेरी सारी कहानियाँ टाइम टू टाइम मिलती रहें। अब आज की कहानी मुझे सुनाई है मेरी वाइफ ने। आज की कहानी है मेरी वाइफ की बेस्ट फ्रेंड की, जिससे वो दिन में कम से कम दो बार तो कॉल कर ही लेती हैं। ये अहमदाबाद में रहती हैं और इनका नाम हम रख लेते हैं सीमा, क्योंकि इनका नाम तो कुछ और है लेकिन मेरी वाइफ और उनकी फ्रेंड्स की तरफ से खास खतरनाक इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप उनका नाम नहीं बोल सकते, तो मैं उनका नाम नहीं बोलूँगा और सारे नाम और किरदार इसमें चेंज कर दिए जाएंगे जिनका नाम है और जो काम ये लोग करते हैं। तो कहानी है मेरी वाइफ की फ्रेंड सीमा की। मैंने आपको बताया कि बेस्ट फ्रेंड है तो दिन में कई बार कॉल हो जाती होंगी, भाई एक दो बार तो सुबह से शाम तक कॉल हो ही जाती हैं। ये रहती हैं अहमदाबाद में और हम रहते हैं दिल्ली में। तो पिछले महीने लगभग इनका कॉल नहीं आया, पूरे महीने कॉल नहीं आया इनका। अब होता है ना कि एक दोस्त का कॉल काफ़ी दिन तक ना आए तो आप ट्राई तो करेंगे ही, तो ऐसा ही ये करती हैं। ये खूब ट्राई करती हैं उसका कॉल कि कॉल मिल जाए, कहीं से कोई मैसेज मिल जाए कि पता नहीं कहाँ बिजी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, पता नहीं कहाँ कहाँ मैसेज डाल दिए थे इन्होंने। अब आता है इनका लगभग 20-25 दिन बाद कॉल और बात शुरू करते ही वो रोने लगी। अब रोते रोते इन्होंने बहुत देर तक समझाया, बोल हुआ क्या ये तो बता पहले। अब इंसान बहुत गलत सोच जाता कि ऐसा ना कुछ गलत हो गया हो जिसकी वजह से इतनी बात बात ना हुई। तो वो बताती हैं उनके साथ इन दिनों में क्या घटनाएं घटी और इन घटनाओं से रिलेटेड ही है हमारी कहानी जो इनके साथ बीता इस एक महीने मतलब 20-25 दिन के अंदर अंदर। और बाकी एक हफ्ता तो इन्हें बिल्कुल दिमागी रूप से सही होने में लग गया, क्योंकि जिस इंसान के साथ ऐसी बातें ऐसी घटनाएं घटेंगी उसे नॉर्मल होने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि कल ऐसी कोई घटना हुई और आज इंसान अपनी वाइफ को मतलब अपनी फ्रेंड को कॉल करने लग जाएगा। तो इनके साथ हुआ क्या, पहले थोड़ा सा उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, सीमा अहमदाबाद में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ और अगल बगल में इनके दो देवर भी रहते हैं। एक जो है रोहन, वो इनका रियल देवर है, मतलब सगा देवर है, और एक है करण जो इनके पति के चाचा का लड़का है। दोनों इनके भाई जो हैं इनके पति के, वो दोनों शादीशुदा हैं और ये सब लोग एक बहुत बढ़िया फैमिली की तरह रहते थे। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ रहते थे, क्योंकि इसमें से जो करण है इसकी मृत्यु मतलब इसकी मौत आज से लगभग 4 साल पहले हो चुकी है। अब सिर्फ उसकी वाइफ ही रहती हैं अपनी सास के साथ। और अब बात करते हैं उस घटना की कि इनके साथ ऐसा हुआ क्या। इनको जो सपने आज से 4 साल 5 साल पहले आया करते थे, 4 साल क्या बल्कि 5 साल पहले आया करते थे, वो सपने इनके साथ आज रियल में घटित हो रहे थे। मतलब जो कुछ भी ये सपने में इन्होंने देखा था, कई बार जो अलग अलग सपनों में देखा वो इनके साथ आज रियल लाइफ में हो रहा था। और उसमें से एक जो सबसे भयानक सपना था वो ये था कि इनका जो देवर है, आप समझ लो कोई इंसान जीवित हो आपके सामने और उसके मरने का आप सपना देखो और ये देखो कि जो आपका इतना सम्मान करता है, आपको माँ की तरह पूछता है, वो इंसान आपके साथ कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करे, आपसे कुछ गलत अपशब्द बोले तो कैसा लगेगा। और जब मरे हुए इंसान की बात आती है कि जो इंसान मर गया है और वो आपको सपने में दिख जाए, तो देखिए वैसे ही थोड़ा बहुत डर तो इंसान को लग ही जाता है। और उसके अलावा आप कभी महसूस करते हो कि वो आपके साथ ही है घर में, तो आपको कैसा लगेगा। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। तो बात को ज़्यादा गोलमोल ना करते हुए, बात को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए शुरू करते हैं इस कहानी की शुरुआत से। तो कहानी की शुरुआत होती है इनकी शादी के 3 साल बाद। इनके देवरों की नई नई शादी हुई है दोनों की और आज इनको सपना आता है रात को। कहानी की शुरुआत होती है पहले इस सपने से ही। मैंने आपको बताया कि करण कैसे अपनी भाभी को अपनी माँ के बराबर समझता है और बाकी दोनों देवर जो बाकी रोहन है जो लड़का जो उनका दूसरा देवर है वो भी बहुत सम्मान करना अपने भाई का, बल्कि उनकी बीवियाँ भी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं। तो आज रात को इनको सपना आता है कि ये किचन में खाना बना रही हैं, किचन में खाना बना रही हैं, तो पीछे से इनका देवर आता है करण और इनको पीछे से पकड़ लेता है, जैसे सिर्फ एक पति ही पकड़ सकता है अपनी बीवी को, और पीछे से पूरे हाथों में भर लेता है अपनी भाभी को और एकदम कान के पास मुंह लाकर बोलता है,
के बेडरूम में चलो, मुझे तुम्हारे साथ रोमांस करना है। अब आप रोमांस का मतलब समझ रहे होगे, मैं इसको ज़्यादा डीप में नहीं बोलूँगा क्योंकि माएँ बहनें बच्चे हर तरह के लोग इस कहानी को सुनते हैं, तो आप समझ जाइएगा कि वो किस तरफ की बात कर रहा होगा। जैसे ही सीमा ये बात सुनती है तो एकदम से झटका दे देती है, करण क्या बोल रहा है तू ये, और उसको झटका देकर वो पीछे मुड़ती है क्योंकि वो दूसरी तरफ मुंह करके, मतलब किचन की स्लेब की तरफ मुंह करके खाना बना रही थी, और पीछे मुड़कर देखती हैं तो करण के चेहरे पर कांच घुसे हुए हैं। मान लीजिए किसी कांच से वो टकराया है और कांच के कुछ टुकड़े उसके चेहरे में घुस गए हैं और उसके चेहरे से खून टपक रहा है, और वो उसको देखते के साथ एकदम चिल्लाती हैं और उनका सपना टूट जाता है। चिल्लाती हुई वो एकदम उठती हैं तो वहीं उनके पति जो अमित हैं वो उठते हैं, बोले क्या हुआ, कोई सपना अपना देख लिया क्या बुरा? अब कैसे बताएं कि करण का सपना देखा, और करण का सपना देखा तो क्या देखा क्या बताएं? तो बोले हाँ हाँ वो कुछ दे ऐसी देख लिया कुछ। तो बोले सो जाओ, हो जाता है इंसान कभी बुरा अच्छा सपना देख ही लेता है। अब वो दोबारा सो जाती हैं फिर से, और दोबारा उनको एक और सपना आता है थोड़ी देर बाद ही। आपको कभी कभी फील हुआ होगा कि सपने पूरी रात भर सपने आते रहते हैं और अलग अलग सपने आते हैं रात को। तो इनको दूसरा सपना आता है कि करण की गाड़ी का कहीं एक्सीडेंट हो गया है और करण उसमें मर गया है। वैसे तो लोग बोलते हैं कि अगर आप किसी के मरने का सपना देखो तो उसकी उम्र लंबी हो जाती है, लेकिन यहाँ ऐसा हुआ नहीं। दरअसल जो करण है वो काम करा करता था अहमदाबाद के किसी मशहूर आदमी के यहाँ, ड्राइवर कम बॉडीगार्ड का, और आज रात को ही, अब बगल वाले घर में वो रहता है तो हर बात तो अपने यहाँ बता के जाएगा नहीं ना, तो वो आज अपनी वाइफ को बता के गया था कि मालिक को और मुझे कहीं दूर जाना है तो मैं कल सुबह तक वापस आ जाऊँगा, और वो कहीं दूर अपने मालिक के साथ गया होता है गाड़ी के साथ, और सच में उसका वहाँ एक्सीडेंट हो भी जाता है। तो ये सीमा उठती हैं सुबह, उठ के ये लोग सब नाश्ता ही कर रहे होते हैं कि इनके पति के पास कॉल आता है, मोबाइल में शायद इनके हस्बैंड का नंबर सेव होगा और उनके मालिक के थ्रू उनके यहाँ कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है, आपके भाई जो हैं करण उनका एक्सीडेंट हो गया है, आप इस हॉस्पिटल में आ जाइए, बहुत सीरियस है। अब आप जानते हैं कि कोई बताता तो है नहीं कि सब यही बोलते हैं कि सीरियस है, चाहे कुछ गलत ही हो गया हो। तो ये पूरा परिवार तुरंत भगा चला जाता है अहमदाबाद के उस अस्पताल में, और वहाँ जाते इनको पता चलता है कि करण की मौत हो चुकी है उस एक्सीडेंट में जो रात को हुआ था। अब घर में दुख का माहौल छा गया एकदम, सब लोग बुरी तरीके से रो रहे हैं, और रोते रोते सीमा को एक ख्याल आता है कि मैंने रात को सपना देखा था करण की मौत का, ऐसा तो नहीं करण उसी समय मरा था? लेकिन जब ऐसा दुख का माहौल होता है ना तो इतना ज़्यादा बुद्धि चलती है नहीं, तो वो बस सिर्फ रोए जा रहे हैं वो सब के सब। किसी तरीके से सबको संभाल के उनकी बॉडी को घर लाया जाता है और अंतिम संस्कार की जो भी क्रिया होती है ये सब लोग पूरी कर देते हैं। अब कुछ टाइम बीतता है तो जब थोड़ा बहुत नॉर्मल हो जाता है घर में माहौल, तो सीमा अपनी देवरानी से पूछती है, करण की वाइफ से, कि जिस दिन करण की मौत हुई क्या तुम्हें कोई ऐसा सपना तो नहीं आया था कि करण के साथ कुछ गलत होने वाला है या कुछ गलत हो गया? तो बोलती नहीं भाभी, मेरे को तो कुछ ऐसा नहीं आया था। तो वो बताती हैं कि मेरे को ऐसा सपना आया था कि करण का ना एक्सीडेंट हो गया है और उसके चेहरे पर कांच घुसे हुए हैं और वो मर गया, और अगले दिन ही सुबह उसकी खबर आ गई थी ऐसे ऐसे। अब दो औरतें जब ऐसी आपस में बात कर रही होती हैं तो आप जानते हैं रो ही पड़ते हैं सब, दो औरतें क्या सभी रो पड़ेंगे जब पुरानी ऐसी कोई अपने की मौत की बात छिड़ती है। तो वो रो पड़ती हैं, बोले नहीं भाभी मेरे को कहीं ऐसा सपना आया नहीं था। और सीमा वो दूसरे वाले सपने के बारे में उसको बताती नहीं है कि ऐसा बोलूँगी तो इसका दिल दुखेगा। अब कुछ रीति रिवाजों के लिए लोग अपने गाँव जरूर जाते हैं, तो ये पूरा परिवार अपने गाँव की तरफ निकल पड़ता है। कुछ रीति रिवाज होते होंगे जो गांव में ही पूरे करे जाते हैं, तो ये लोग ट्रेन से जा रहे थे अपने गांव, सबके सीट्स एक ही कंपार्टमेंट में है और रात का टाइम है ताकि रात की ट्रेन है और पहुंचने में बहुत आराम हो जाता है कि रात को सो सुबह उतर जाओ। अब सीमा और उसके हस्बैंड की सीट जो है वो मिडिल बर्थ में है, मतलब बीच वाला जो बर्थ होता है सीट होती है, स्लीपर है, और ये दोनों आमने सामने सो रहे हैं। अब रात को लगभग 12-1 बजे का टाइम रहा होगा उसकी मौत के कुछ, मतलब जस्ट कुछ दिन की बात की बता रहा हूँ क्योंकि कुछ रस्में जो पूरी करनी है उसे ही करने ये लोग जा रहे हैं अपने गांव। अब रात को 12-1 बजे सीमा की आँख खुलती है, बहुत थोड़ी सी, होता ना आधी कच्ची पक्की नींद में आँख खुलती है उनकी, और इनके हस्बैंड जो उस तरफ लेटे हुए हैं, अब एसी कोच है इसमें तो ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट दिया जाता है, तो उन्होंने ब्लैंकेट ओढ़ रखा है और सिर्फ उनका चेहरा ही चेहरा दिख रहा है आप समझ लो।
तो जैसे ही उनकी आंख खुलती है, रात को अंधेरा हो रखा है, बहुत छोटी सी लाइट जली होती है ट्रेन में, तो इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने अपने पति के चेहरे में अपने देवर का चेहरा देखा। मतलब जैसे समझो कि करण ही सो रहा था। अब सपने में हो तो समझ में आता है, और इन्होंने देखा रियल में, आंख खुली खुली आंख से देखा। ये चौंक जाती है एकदम, और अपनी आंखें मल के बैठती हैं, और बैठ के अपने हस्बैंड को जगाती हैं। अमित, अमित सुनना। तो अमित उठता है, बोलो हाँ क्या हुआ? बोलो पूरी रात सोते हुए जाओगे, थोड़ा बहुत बीच में जग जाओ, ये थोड़ा डर जाती हैं दरअसल। और जब आंखें मल के देखती हैं तो करण थोड़ी है, सो तो अमित ही रहा है, वो करण थोड़ी है यहाँ पर। अब ये डर गई हैं लेकिन बता नहीं रही हैं कि मैं डरी हुई हूँ, कि उठ जाओ, कि ऐसा ना हो कि सामान वामान लेके निकल जाए। बीच बीच में एक आध इंसान को जगे रहना चाहिए। मैं जगी हुई थी, अब तुम जग जाओ और मैं सो जाती हूँ। बोला हाँ ठीक है चल। दरअसल उसकी मौत के बाद ही ये सपने शुरू हो गए थे उनके साथ। अब धीरे धीरे टाइम बीत जाता है और उसकी मौत को हो जाते हैं 4 साल। इन 4 सालों में उन्हें कोई भी ऐसा सपना नहीं आया जो उन्हें बहुत ज़्यादा डरा दे। हाँ थोड़ा बहुत तो कभी कभार लोगों को सपने आ ही जाते हैं अपनों के। अब करण की मौत को 4 साल बीत चुके हैं, ये लोग अपने घर में हैं सब लोग। अब धीरे धीरे इंसान भूल ही जाता है, मतलब भूलता तो कभी नहीं है, और किसी की कमी का एहसास तो कभी नहीं पूरा हो सकता, लेकिन फिर भी इंसान अपनी नॉर्मल डे टू डे लाइफ में वापस आ जाता है। तो एक दिन सीमा जो है वो अपने किचन में कुछ काम कर रही थी। अब देखिए 4 साल बाद ये बातें शुरू कैसे होती हैं इनके साथ। एक दिन सीमा काम कर रही थी किचन में। अब आप सोचोगे हर बार ये किचन में ही रहती हैं, मतलब आप समझ लो और भी काम करते हैं, लेकिन जहाँ जो वाक्य घटेगा इंसान उसी के बारे में तो बताएगा। तो ये किचन में काम कर रही हैं, और किचन में काम करते करते इनका देवर आता है पीछे से, रोहन, कि भाभी जरा जल्दी से चाय बना दो, बहुत सर दुख रहा है मेरा। तो बोला जा अपनी बीवी से बनवा ले, अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ। बोला नहीं नहीं आपके हाथ की चाय पीनी है, आप बहुत बढ़िया चाय बनाते हो, आप बना दो। तो बोला हाँ ठीक है, बैठ आराम से सोफे पे, मैं बनाती हूँ। वो किचन में वो चाय पत्ती का डब्बा देखती हैं तो उसमें चाय पत्ती है नहीं। रोहन चाय पत्ती तो है नहीं, एक काम कर जा तू चाय पत्ती लिया। तो जब ही रोहन बोलता है कि अरे भाभी अभी तो बाहर से आया हूँ और आप चाय पत्ती लेने के लिए बाहर चला जा, देखो ना घर में होगी, ढूंढो कहीं होगी। बोला ऐसा है मुझे नहीं पता होगा क्या, कुछ है नहीं, और एक काम कर तू जा ले आ, मैं तुरंत बना देती हूँ, पानी चढ़ा देती हूँ। बोला भाभी एक काम करो, वो जो लेमन ग्रास टी जो है ना घर में, वो पत्ते तोड़ के उसी से चाय बना दो, ग्रीन टी आप बहुत बढ़िया बनाती हो, बस मज़ा आ जाएगा एकदम, और मेरे को आपके हाथ की ही चाय पीनी है। अब ये बात सुनते सुनते ना सीमा तो कुछ सोच में पड़ जाती है। वो लेमन ग्रास टी लेती है, वो पत्ते से होते हैं जिनको तोड़ के चाय बना दी जाती है, वो पत्ते तोड़ के लाती है और चाय बना ही रही होती है। अब बनाते बनाते उनको कुछ याद आने लगता है, वो सोचती हैं ऐसी एक कोइंसिडेंस होगा जो सेम बातें मेरे साथ, मेरे को कुछ याद आ रहा है। फिर वो चाय देती है रोहन को, और रोहन बोलता है कि भाभी आप जैसी चाय तो दुनिया में कोई नहीं बनाता। अब ये सुनते के साथ ही कि भाभी आप जैसी चाय को दुनिया में कोई नहीं बनाता, ये थोड़ा शक पका जाती है एकदम, और वो बोलती हैं कि रोहन एक काम कर तू, अब जा मेरे को कुछ काम है, अब मुझे जाना है बच्चों को लेने के लिए स्कूल, और मैं गेट बंद करके जा रही हूँ। दरअसल वो चाहती थी कि रोहन वहाँ से चला जाए। अब ऐसा था क्या, दरअसल इनको बहुत पहले कभी सपना आया था कि दरअसल ऐसा बिल्कुल सेम टू सेम इनके साथ करण के साथ हो चुका था। मतलब जैसे आज रोहन चाय मांगने आया था, वैसे ही सेम टू सेम करण ने कभी सपने में अपनी भाभी के साथ बिल्कुल सेम टू सेम ये बातें हुई थी कि चाय पत्ती ख़त्म है, और चाय पीने के बाद बोलता है कि भाभी आप जैसी चाय कोई बना नहीं सकता। इन्हें एकदम से करण का ख्याल आ जाता है। अब इंसान ऐसे में थोड़ा दुखी भी होता है और थोड़ा सा उसे डर भी लगता है कि यार देखो किसी कोई कितना ही प्यारा हो, लेकिन मरने के बाद अगर किसी का ऐसा सपना आता है और किसी के बारे में ऐसी कोई चीज़ दोहराई जाती है तो थोड़ा थोड़ा डर तो सभी को लगता है। तो ये चली जाती है अपने बच्चों को स्कूल से लेने के लिए। घर का सारा काम वाम ये करके गई हुई हैं। दोपहर का टाइम हो रहा है, घर में साफ सफाई सब कर लिए इन्होंने, और रोहन भी इनके साथ साथ ही उधर से आगे अपने कहीं चला जाता है। ये जैसी अपने बच्चों को लेकर वापस आती हैं स्कूल बस से, तो इनके बच्चे भागकर रोहन के घर चले आते हैं। तो बोलो बेटा पहले अपने घर तो चलो। बोला नहीं नहीं हम पहले चाची के पास जाएंगे, और चाची के साथ वो हमारे कैरम खेलने की बात हो रही थी कि स्कूल आते के साथ आ जाना और हम कैरम खेलेंगे। तो बच्चे उस तरफ भागे चले आते हैं। बोलो कोई नहीं चाची के घर ही तो गए, आ जाएंगे 5-10 मिनट में। और ये अपना गेट खोल कर और अंदर घुसती हैं। जैसी ये अपने गेट के अंदर घुसती हैं तो सोफे पर जो पिलो रखे होते हैं ना कुशंस, सारे कुशंस
घर में फैले हुए हैं, तो इन्हें लगता है कि हो सकता है कि वो रोहन बैठा था ना, तो उसने इधर उधर गिरा दिए होंगे, गलती से गिर गए होंगे। ये और आगे की तरफ चलती हैं थोड़ा सा, तो देखती हैं इनके बेडरूम में जो चादर थी वो पूरी चादर ऐसी सिमटी हुई है जैसे इस पर कोई लेट के गया है अभी, और घर के जो पर्दे हैं वो सारे आगे पीछे हो रखे हैं। तभी तुरंत इनका दिमाग अपनी अलमारी की तरफ जाता है, इसके अंदर सामान वामान रखा है कि वो अलमारी तो लॉक्ड है ना, वो तुरंत उसे चेक करती हैं तो वो अलमारी लॉक्ड होती है। दरअसल उनके दिमाग में चल रहा है कि कहीं कोई चोर वोर तो नहीं आ गया घर में, लेकिन जब अलमारी भी ठीक है, घर में सारा सामान उलट पलट हो रखा है और चादर ऐसी हो रखी है जैसे इस पर कोई लेट के गया है, और अब उन्हें घर में एहसास हो रहा है कि उनके अलावा भी घर में कोई है। आपने सुना होगा सिक्स सेंस के बारे में कि औरतों का ऐसा फील हो जाता है कि कोई हमें देख रहा है या फिर कोई और भी है, ये खास तौर से एक पावर होती है औरतों के पास, सिक्स सेंस बोलते हैं इसको। तो इन्हें फील होता है कि घर में इनके साथ कोई है और भी कोई है, और अंदर से एक डर का माहौल सा इनके मन में बन जाता है। ये एकदम बाहर भागती हैं और बाहर से कुंडी बंद कर देती हैं, तुरंत अपने पति को फ़ोन करती हैं और बगल में अपनी देवरानी को भी बोल देती हैं देर में कि मेरे घर में लग रहा है कोई घुस गया था, कोई चोर वोर तो नहीं आ गया है, और अपने हस्बैंड को बुला लेती हैं। उनके हस्बैंड दरअसल यहाँ से 10-20 मिनट की दूरी पर ही दुकान करते हैं, उनकी शॉप है एक, तो वो आ जाते हैं। तो आने के बाद अमित देखता है कि घर में कोई नहीं है, वो पूरे घर को छान मारते हैं और घर में कोई नहीं मिलता। अब वो सीमा से बोलते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि कहीं वो तुम ही भूल गई हो साफ सफाई करना, ये बेडशीट वगैरह ना ठीक से बिछाना, और ये पर्दे वर्दे ऐसे रह गए हों, बच्चे सुबह खेला खाली में कर गए होंगे। बोला नहीं, मैं बिल्कुल घर का काम सारा कर चुकी थी और बच्चों को लेने जा रही थी, और रोहन भी आया था, रोहन से पूछ लेना, घर कोई इतना बिखरा हुआ थोड़ी था, पहले तो मुझे ऐसा लगा रोहन ने ऐसा कर दिया होगा। और उसके हस्बैंड चले जाते हैं, बोला यार तूने मेरा टाइम बर्बाद कर दिया, मैं इतनी दूर से आया तेरे को चोर चोर लग रही है खामखा, और वो चला जाता है अपने काम पर वापस। अब जो उसकी देवरानी है मतलब रोहन की बीवी, वो और ये घर में बात कर रहे हैं, और ये बात करते करते बोलती हैं कि ऐसा है, आप उसका नाम ज्योति रख लीजिए, कि ज्योति मान मत मान, घर में कोई था। तो बोले दीदी कौन था, आपको कैसा लगा? बोला नहीं मुझे ये तो नहीं पता कौन था, क्या चोर था या कुछ था, लेकिन घर में कोई और था जब मैं घर में घुसी, मुझे किसी और के होने का ना एहसास हुआ था कि इस घर में कोई और भी है और मुझे देख रहा है, होता ना छुप के देख रहा है, तो मुझे कोई देख रहा है। अब वो एकदम से डर जाती है, बोले दीदी कोई था तो था नहीं, आपको ऐसा क्या लग रहा था? तो बात बात करके ये लोग अपना वो अपने घर चली जाती है थोड़ी देर बाद। और आज शाम तक इसके दिमाग में यही चल रहा है, सीमा के दिमाग में, कि यार ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं भूल गई हूँ, और मैंने तो साफ सफाई करी थी, चलो देखते हैं बाकी। तो अब इनके साथ जो ये घटनाएं हैं रेगुलर घटने लगी, मतलब जिस दिन से ये चाय वाली घटना हुई है उस दिन के बाद से रोज ना रोज, रोज के रोज इनके साथ कुछ ना कुछ होने लगा। अब अगले दिन जो सपना आपको याद है जो इन्होंने अपने उसकी मौत से एक दिन पहले देखा था, जिसमें वो करण इनको पीछे से पकड़ लेता है, आज वो इनके साथ रियल में हुआ। अब रियल में कैसे हुआ, अब आप देखिए कि घर में सब लोग काम पे, इसके हस्बैंड काम पे चले आते हैं, बच्चे स्कूल चले आते हैं, घर में कोई और है नहीं, ये अपना काम वाम कर रही हैं घर में, गेट बंद है, ऐसा नहीं कोई इंसान बाहर से आके ऐसा करेगा, गेट अंदर से लॉक्ड रहते हैं काम करते हुए। अब पीछे से इनको आके कोई पकड़ लेता है, और आप हर किसी का एहसास जानते हैं, मतलब अगर मैं किसी को छूँ अपने हाथ से तो बता देगा कि जिसके साथ हम रोज़ रहते हैं, रोज़ बात बात करते हैं, तो हर इंसान बता देता कि हाँ ये वही था, मतलब ये सूरज था, ये करण था, ये मोहन था, मतलब कुछ भी इंसान बता देता कि हाँ ये था। अब सीमा को कोई पीछे से पकड़ लेता है, और पीछे से पकड़ के सबसे पहले वो बोलता है कि मुझे भूख लग रही है, मुझे खाना दे दो। अब आवाज़ थी ये करण की, पीछे से कोई पकड़ ले, घर लॉक्ड है, गर्दन घुमाती हैं और देखती हैं कि कोई है ही नहीं, और उन्हें फील हो रहा है कि किसी ने उनको पकड़ रखा है। एक बार को तो उन्हें ऐसा विश्वास नहीं होता कि बोलो मेरा वहम है, फिर से इन्हें एहसास होता है, वो फिर से तेज टाइट और पकड़ के, जैसे एक पति अपने पत्नी को पकड़ता है पीछे से, बाहों में भरा हुआ एकदम, कि चल बेडरूम में चल रोमांच करेंगे। अब ये आवाज़ करण की सुनते के साथ एकदम उनके होश उड़ जाते हैं, और सीमा कुछ नहीं देखती, मतलब ना दाएं ना बाएं, एकदम भागती अपने गेट की तरफ, गेट खोलती है और बाहर जाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसे ऐसा लग रहा है कि उसे किसी ने पीछे से पकड़ा हुआ है और कोई बाहर जाने नहीं दे रहा है उसे। गेट कुंडी खोल ली है, मतलब चिटकनी खोल ली है, और वो गेट नहीं खुल पा रहा है, मतलब जो गेट नॉर्मल है, ना कभी अटकता है ना कुछ,
और वो गेट नहीं खुल पा रहा है उनसे, और वो पूरी कोशिश कर रही हैं कि बाहर निकल जाऊं मैं। एक दो मिनट की मशक्कत के बाद वो गेट खोलती हैं। पता नहीं ऐसा क्या था कि वो जो चीज़ थी, जो कुछ भी था, वो उसने उन्हें जाने दिया, और वो गेट खोलकर बाहर भागती हैं। तुरंत बाहर भाग के वो जाती हैं, और कहाँ जाएगी, अपनी देवरानी के घर भागती हुई जाती हैं एकदम, और पसीने में तर, घबराई हुई, सांस फूली हुई, और जाती हैं और बोलती हैं कि ज्योति ज्योति। तो बोले, दीदी क्या हुआ, आप आराम से सांस लो, क्या हुआ? कि ज्योति, करण आया था। करण आया था? कौन करण आया था? बोला, हमारा करण आया था। तो वो बोला, भाभी क्या बोल रही हो, करण कहाँ आ गया? आप एक काम करो, पानी पियो पहले। और वो बस बड़बड़ा रही हैं, बोले करण 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 ऐसे कर रही हैं। और जब वो पानी वानी पी के थोड़ा सा नॉर्मल हो जाती हैं, तो जब ज्योति पूछती है, बोले दीदी अब बताओ हुआ क्या, तो वो सारी बात बताती है कि ऐसे ऐसे मुझे पीछे से पकड़ लिया, और मुझसे गेट नहीं खोला जा रहा था, और वो मुझसे ऐसे ऐसे कह रहा था। अब पहली बार तो इन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन इन्हें अपनी भाभी पर इतना पूरा, मतलब अभी ये दीदी हैं बड़ी, जेठानी, इन पर इन्हें पूरा विश्वास है कि ये कभी झूठ वूठ तो बोलेंगी नहीं, और ऐसा झूठ कोई क्यों बोलेगा, मतलब अपने देवर के बारे में, बल्कि ये तो अपने बच्चों के बराबर मानती हैं, रोहन को और करण दोनों को। तो उन्हें बड़ा अजीब लगता है, और रोहन की वाइफ को भी लगता है कि, और रोहन की वाइफ इन सब बातों में थोड़ा सा विश्वास करती भी है, बल्कि सीमा नहीं करती रही इन बातों में विश्वास जब तक। तो रोहन की वाइफ बोलती है, मतलब ज्योति, कि दीदी ऐसा तो नहीं है कि उसकी आत्मा हमें परेशान करने लगी अब? तो इस बात पर तुरंत पलट कर देख रहे हो कि विश्वास कितना है अपने देवर पर, इनफैक्ट उसके मरने के बाद। बोला, क्या पागल हो जैसी बात करे, कि वो परेशान क्यों करेगा, ये ना कुछ और चीज़ थी जो करण के रूप में मुझे डरा रही है। अब ये एक्सेप्ट नहीं करती कि वो करण था, क्योंकि करण ऐसा कर ही नहीं सकता, वो जीते जी मरने के बाद वो कभी नहीं कर सकता मेरे साथ ऐसा, वो तो मेरे बेटे ऐसा था बिल्कुल, माँ ही नहीं बोलता था, लेकिन माँ से ज़्यादा मानता था मुझे। तो बोले, दीदी फिर क्या था, एक काम करते कहीं दिखा लेते हैं, एक काम करो आप शाम को भाई साहब को बोल देना, और आप लोग कहीं दिखा दो, बोलो तो मैं बताऊँ कहीं। तो ये बात को टाल जाती है, बोला नहीं नहीं ऐसा, देखते हैं अगर कभी फिर कुछ ऐसा होता है तो फिर दिखाएंगे, अब तुम्हारे भाई साहब जानते हो वो तुरंत विश्वास करेंगे नहीं इस बात पर, और देखते हैं अगर कभी कुछ ऐसा हुआ तो ज़रूर बताऊंगी और फिर चलेंगे दिखाने के लिए कहीं। तो जब ही जो ज्योति है वो बताती है कि मैं ना दीदी अपने घर में एक देवी की पूजा करती हूँ, उनका नाम है दशा माता, ये दरअसल एक शक्ति का ही स्वरूप है, माँ शक्ति का। और दीदी आप एक काम करो, आप भी इन्हीं की पूजा करा करो, और जो इनकी पूजा करता है ना वो इनकी इतनी रक्षा करती हैं, और आप देख रहे हो रोहन का काम वाम कितना बढ़ रहा है एकदम, तो मेरा विश्वास है कि अगर आप उनकी पूजा करोगी घर में तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, और भाई साहब का काम वाम सब सही बढ़ेगा। तो सीमा बोलती है कि हाँ हाँ चलो मैं देखती हूँ, और वो इस बात को नज़रअंदाज करते हुए अपने घर वापस आ जाती है। अब अपने घर वापस तो आ गई है, लेकिन थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है, जहाँ ये खड़ी थी ना अब की बार इन्होंने गेट बंद नहीं करा अपना, गेट खुला हुआ है, बाहर वाला जो मेन गेट लोहे का वही बंद है, लेकिन इनके घर में जो एंट्रेंस वाला छोटा गेट होता है वो खुला हुआ है, ताकि अगर कुछ ऐसा हो तो मैं दोबारा भाग लूँ। अपने घर में जब किसी को डर लगने लग जाए ना, तो उससे बुरा कुछ होता ही नहीं है, और डर किससे लगे, अपने किसी अपने से, अपने सगे देवर से, मतलब अपने देवर से डर लग रहा है इन्हें, उनकी ऐसा लग रहा है कि कहीं वो वापस तो नहीं आ गया है आत्मा के रूप में, मन में कहीं ना कहीं ये बात चल रही है। अब शाम को इनके हस्बैंड आते हैं, अपने हस्बैंड, अब हस्बैंड वाइफ का एक ऐसा रिश्ता होता है कि अगर घर में कुछ भी छोटी से छोटी बात है, और ये दोनों आपस में काफ़ी कुछ शेयर करते हैं, मतलब हर बात शेयर करते हैं। तो सीमा आके अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसा ऐसा मुझे दिन में फील हुआ, और वो ऐसे कह रहा था। अब सारी डिटेल्स बताने के बाद एक बार को तो अमित डांटता अपनी बीवी को, कैसी बात कर रही मेरे भाई के बारे में, तो पता क्या बोल रही है? तो बोलती है, पता तो मुझे भी है, लेकिन मैं तो तुम्हें सच बता रही हूँ जो मैंने आज फील करा। बोला, चल चल सो जा, तेरे दिमाग का वहम है, और ये सीरियल पीरियल देखने बंद करो, ये सब इन्हीं की वजह से हो रहा है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, दिमाग कम चलाया करो अपना। अब वो हल्का सा उसको डांट देता है। अब भाई की बात है, कैसे सुन ले कोई। अब ये सारी बातचीत होने के बाद ये लोग सो जाते हैं। और दरअसल मैं कहानी शुरू करने के टाइम आपको ये बताना भूल गया था कि इनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो स्कूल जाते हैं। तो इनकी एक बेटी है और एक है बेटा। बेटा और बेटी का नाम सिर्फ मैं बेटा और बेटी बोलूँगा, बेटी को गुड़िया बोल देते हैं। तो रात को लगभग 1:30 बजे का टाइम रहा होगा, अचानक से आँख खुलती है सीमा की। सीमा देखती है कि उनकी बेटी बेड पर नहीं लेटी हुई है। दरअसल उसकी आँख खुली ही इस वजह से थी कि उन्हें गेट खुलने की आवाज़ सुनाई दी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि बच्चा टॉयलेट करने गया होगा और अभी आ जाएगी 2 मिनट में। फिर भी मन नहीं मानता, होता ना माँ का मन मानता कहाँ है। तो वो उठकर
चली जाती हैं पीछे देखने के लिए कि बच्चा टॉयलेट कर रहा है, तो वो ऐसा ना हो रात वात का टाइम है डर जाए। और वो देखती हैं कि जो इनका बाहर वाला जो गेट है वो गेट भी खुला हुआ है, और जो इनकी बेटी है गुड़िया वो बाहर वाले मेन गेट लोहे वाले गेट के पास खड़ी है और वो गेट खोल ही रही है, मतलब कोशिश कर रही है खोलने की। अब वो बड़ा गेट है तो उसमें बड़ी सी सांकर लगी हुई है, इसे खोलने में बच्चे को थोड़ी सी मेहनत तो लगेगी। अब वो खोलते खोलते सामने ही देख रही है कि जैसे उसे सामने कोई दिख रहा हो, तो एकदम से आवाज़ लगाती हैं सीमा कि ए गुड़िया कहाँ बाहर कहाँ जा रही है इतनी रात को। तो बोला मम्मा चाचू। बोला कहाँ है चाचू? उसे लगा रोहन होगा, रोहन आया होगा लेट वेट, तो रोहन आवाज़ दे रहा हो उसे कहाँ है चाचू। और कौन सा चाचू होता ना कि कहाँ है चाचू तेरा, कौन सा चाचू ऐसे करके बोल देते हैं, रात को कहाँ चाचू दिख रहा है तुझे? तो बोलो वो देखो ना सामने चाचू, अंकल चाचू, ऐसे करके वो बच्ची बोल रही है। और वो बताती है बच्ची के करण चाचू। अब करण चाचू बोलते के साथ इनका दिमाग घूम जाता है और ये अपने बच्चे को उठाती हैं और एकदम से पकड़ के झुंझला देती हैं। बोलो बेटा क्या बोल रही है तू? बोलो मम्मी करण चाचू और उनके साथ एक अंकल हैं, बोले बेटा चॉकलेट देंगे आ जा। वो अपने बच्चे को अंदर लेके आती है अपनी बेटी को। अब ये बेटी ना उस टाइम छोटी थी जब करण की डेथ हुई, लेकिन इतनी छोटी भी नहीं थी, मतलब करण बहुत लाड़ करता था इसके साथ। लाड़ तो दरअसल दोनों ही भाई करते हैं, दोनों ही चाचा करते हैं, तो कैसे भूल जाए, कोई चेहरा तो याद रहता है ना। तो इसे याद था अपने चाचा का चेहरा और घर में फोटो वोटो देखते रहते हैं, तो एग्जैक्ट ये करण चाचू बोलती है। अब करण चाचू सुनते के साथ सीमा का दिमाग घूम जाता है, उसे एक साथ जितनी भी घटनाएं उसके साथ पीछे हो रही हैं वो सब दिमाग में रिकॉल हो जाती हैं। बोलो बेटा बाहर कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं, कहाँ बेटा करण चाचू नहीं है, करण चाचू तो दूसरी दुनिया में गए, ऐसे करके उसको अंदर लेके आ रही हैं और अपने हस्बैंड को जगाती हैं कि तुम मेरी बात मान नहीं रहे था ना, देखना बच्चे को भी दिखाई दिया और वो बोल रही है कि कोई आदमी भी था उसके साथ और करण चाचू बाहर बुला रहे हैं। अब ऐसा बोलने पर अमित उठ जाता है और क्योंकि बच्चा डरे ना तो बोलते ऐसा ही बच्चे का वहम होगा, पर ऐसा कुछ है नहीं बेटा, सो जाओ, आपने किसी और को देखा होगा। अब बच्ची इतना क्लियर और बार बार बोल रही है, आप जानते ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, झूठ नहीं बोलते कभी। बोला नहीं पापा करण चाचू ही थे, एक अंकल भी थे उनके साथ, उनके हाथ में बहुत सारी चॉकलेट का बॉक्स था, वो बोल रहे हैं कि बेटा आजा मैं तेरे लिए चॉकलेट लेके आया हूँ, मैं बाहर जा ही रही थी मम्मी ने रोक लिया। अब ये सुन के दिमाग तो उसका भी हिला थोड़ा सा अमित का, उसे अजीब लगा, वो समझा बुझा कर लिटा देता दोनों को। लेकिन अब जहाँ सिर्फ सीमा के दिमाग में ये सब बात चल रही थी कि हमारे साथ हो क्या रहा है, अब थोड़ा थोड़ा दिमाग में चलने लगा है अमित के दिमाग में भी। सुबह होती है और आप जानते हैं कि अब थोड़ा डर का माहौल सा बन गया है सीमा के मन में, मतलब सीमा को डर डर सा लगने लगा है। और आज इनके बेटे की थोड़ी सी तबीयत खराब है, घर में होता ना सर्दी जुकाम हो ही जाता बच्चे को, बुखार उखार, तो ये अपने बच्चे को आज रोक लेती हैं अपने बेटे को और बेटी चली जाती है स्कूल, हस्बैंड चले जाते हैं फिर से दुकान पे। अब आजकल के बच्चे आप जानते हैं मोबाइल के एक्सपर्ट हैं, मतलब मोबाइल हाथ में दे दो और गेम तुरंत खोल लेते हैं और सारी गेम खेलनी आती है इन बच्चों को। अब वो बच्चा मोबाइल लिए घूम रहा है पूरे घर में और पता नहीं कौन सी गेम है वो खेल रहा है। अब गेम खेलते खेलते वो अपनी चौखट पर, जो मेन घर की चौखट है वहाँ पर बैठा हुआ वो गेम खेल रहा है, बाहर देखता हुआ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, दवाई ववाई लेके उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो चुकी है। और टाइम हो रहा है दोपहर के 11:30 बजे, मतलब सुबह के 11:30 बजे बोल सकते हैं, सूरज पूरा निकला हुआ है, बिल्कुल दोपहर का टाइम हो रहा है। अब क्योंकि जब बच्चे की तबीयत खराब होती है तो माता पिता चाहते नहीं कि बच्चे को किसी चीज़ के लिए मना करें, तो हाथ में मोबाइल दे दिया, बोला बेटा कोई बात नहीं, तो ज़रा उछल कूद मत करियो, बस बैठ के खेलता रहे। अब वो बाहर चौखट पे बैठा बैठा, चौखट के बगल से ही जीना जाता है ऊपर छत के लिए, किसी से बात करने लग रहा है। अब बात करते करते सीमा का ध्यान एकदम उस पर एक बार पड़ता भी है, तो उसे ऐसा लगा कि बच्चे वो गेम के दौरान होता है ना बात करते रहते आपस में कि मार मार मार, इसको गोली मार दे कर दे, जैसे वो फ्री फायर और पबजी वबजी जो गेम है उसमें करते हैं। मेरा बेटा भी कई बार ऐसा करता रहता है, बैठे बैठे बात करता रहेगा, वो गेम खेलेगा ना जब, तो गेम खेलते खेलते बोले मार 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 मार, इसको मार पीछे पीछे, तो उसे लगा कि ऐसी बात कर रहा है, वो फ़ोन में किसी से बोल रहा होगा जो गेम खेलते हैं साथ में उनके। लेकिन जब वो देखती है कि काफ़ी देर नोटिस करने के बाद देखती है कि ये राइट साइड को मुँह करके, जीने की तरफ मुँह करके बात कर रहा है, तो इसे लगता है कि ऐसा ना कोई बैठा है वहाँ पे। ये जाती है देखने के लिए कि कौन बैठा है देखो, तो और जाके देखती है तो कोई नहीं बैठा था वहाँ पर, और ये पीछे होता ना सर पे हल्का सा टक करके बच्चे को, बोले भाई क्या देख रहा था, किससे बात कर रहा था यहाँ पे? बोला करण चाचू और मैं गेम खेल रहे थे, करण चाचू बैठे थे यहाँ गेम खेल रहे थे और वो मुझे बता रहे थे कि ये कर। और फिर से करण चाचू,
अब ये तो उस लड़की से 1 साल बड़ा है, बल्कि ये तो और बड़ा बच्चा बोल सकते हो आप इसको। अब करण चाचू दिन में, देखो रात को ऐसी कुछ घटना हो तो इंसान को लगता है कि ऐसी शक्तियों की आत्मा, भूत, प्रेत, ये रात को ज़्यादा परेशान करते हैं लोगों को, लेकिन ये करण तो उन्हें दिन में दिख रहा है। करण चाचू का नाम सुनते के साथ उसकी मम्मी उसे उठाती है वहाँ से और गेट बंद करती है ऐसे कि गेट से अंदर नहीं आएगा। अब भाई अगर आत्मा है और अगर वो वापस आ चुका है तो आप गेट से थोड़ी रोक लोगे उसको। गेट बंद करके अंदर लेके आती है, बोलो बता क्या क्या है। बोला कुछ नहीं, मैं वहाँ बैठा बैठा गेम खेल रहा था, वो बगल में चाचू भी गेम खेल रहे थे और मेरी तरफ हंस के बात कर रहे थे मुझसे और बोल रहे थे ऐसे खेल ऐसे। अब ये बहुत डर जाती हैं और डर के भागती हैं अपनी देवरानी के यहाँ अपने बच्चों को लेके। अब कोई डरेगा तो किसी अपने के पास ही जाएगा। ये चली जाती हैं उधर और उसे बोलती हैं कि एक काम करना, तू आज मेरे घर पर रुक जा। तो ये लोग अपने उसको ले आते हैं फिर उसको, और सारी बताती है कि ऐसा ऐसा है, मतलब सारी बात उसके साथ रोहन की वाइफ ज्योति के साथ ये शेयर करती हैं। अब आज का दिन तो पूरा कट गया इनका ज्योति के सहारे। शाम को इनके हस्बैंड आते हैं। अब ये गेम वाली बात अपने पति को बताती नहीं है कि ये फिर डांटेंगे मुझे आज किसी बात पे कि तुझे हर जगह करण ही करण दिखाई देता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन्हें उस दिन बता देना चाहिए था, क्योंकि थोड़ा थोड़ा अमित के दिमाग में भी ये सब चल रहा था। अब रोज़ की तरह किसी ना किसी तरीके से ये लोग अकेले तो हो ही जाती थी सीमा। आज दोनों बच्चे फिर से गए हुए हैं, नेक्स्ट डे की बात है, आज फिर से दोनों बच्चे गए हुए हैं स्कूल, हस्बैंड वही दुकान पर और इनके साथ फिर से वही होता है। और अब की बार तो आप समझ लो कि उन्हें दिखता नहीं था अभी तक, कि सिर्फ आवाज़ ही आवाज़ सुनाई आती थी और पीछे से ऐसा लगता रहा किसी ने पकड़ रखा है। आज ये साक्षात करण को देखती हैं। घर का गेट खुला हुआ है, ये डर के मारे अब अपना घर का गेट खोल के रहती हैं। और काम करते करते ऐसे ही होता ना कि झाड़ू लगाते लगाते ही अपने बेडरूम के सामने से जब निकलती हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि करण बेड पर लेटा हुआ है और लेटे लेटे वो इन्हें इशारा करता है और अलग से स्माइल दे रहा है कि आ जाओ ना रोमांस करेंगे। अब वो किस लहजे से बोलता आप समझ लो कि ये वाली बात कोई कैसे बोलेगा, एक अश्लीलता थी उसकी बात में। अब खुली आँखों से और खुले कानों से उन्होंने सुना, झाड़ू वाड़ू छोड़ी, वापस मुड़ी अपने बेडरूम की तरफ देखने के लिए कि थोड़ा सा आगे निकल गई, और आगे निकलते निकलते उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने ऐसे बोला है उनसे और वो करण ही है, करण नहीं बोला है। ये वापस मुड़ती हैं अपने कमरे की तरफ और अब की बार कमरे में अंदर घुस जाती बड़ी हिम्मत करके देखने के लिए, और बेड पर अब करण नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं, मेरे दिल का वहम हो, ये वो अपने आप को बोल रही है करण ही था ये तो। और वो उन्होंने किसी से सुना था कि अगर आप ऐसे कोई आपके पीछे कोई भूत, कोई प्रेत, कोई आत्मा लग जाती है तो आप उसे गालियां दो तो वो आपके पास से दूर भाग जाता है। वो बहुत बुरी बुरी गालियां बकने लग जाती हैं आज, वो नहीं देखती कि मेरा देवर है। अब वो औरतों वाली गालियां मैं नहीं बोलूँगा, वो जितनी भी उनसे अंट संट गालती हैं, गालियां होती हैं, सब बक देती हैं। बोले कुत्ते हरामजादे तू चला जाए यहाँ से, तूने मुझे परेशान कर रखा है, मेरे बच्चों को परेशान कर रहा है, ये है वो है, वो जितना मन में उनका था ना सब भड़ास निकाल देती हैं। अब क्या ना, ऐसा बोलते बोलते इंसान के अंदर थोड़ी सी ताकत आ जाती है वो गालियां देते देते। अब वो देते देते बाहर निकल जाती हैं और कितना ही ताकत आ गई है और कितना ही ये वो दिखा रही हैं, लेकिन डर तो है जब तो इंसान ऐसा उल जलूल व्यवहार कर रहा है। बाहर निकल कर इनको ऐसा लगता है कि आज फिर उसके पास जाऊंगी ज्योति के पास, तो ज्योति बोलेगी इसके साथ रोज़ ही कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये फिर से मुड़ के अंदर आ जाती हैं और फिर बड़े आराम आराम से एक एक कदम रखते हुए पूरा घर देखती हैं और कोई है नहीं घर में। अब इन्हें फील नहीं होता है तो उन्हें लगता है कि लग रहा है जिसने किसी ने भी मेरे को बताया था ना कि गालियां दो भाग जाता है, लग रहा है वो भाग गया। अब होता है ना, बताने वाले तो पता नहीं क्या क्या बता देते हैं लोगों को कि ऐसा कर लो भूत भाग जाता है, ऐसा कर लो। अब पता नहीं उनके साथ हुआ होगा तो किसी ने बता दिया होगा भाई, लेकिन वो कहीं गया नहीं था। अब वो अपने बेडरूम की तरफ जाती हैं दोबारा बहुत डरते डरते, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब कोई पीछे ड्राइंग रूम में उन्हें किसी की परछाई दिखाई दी। ड्राइंग रूम से कोई इनके पीछे पीछे आ रहा है, ऐसा लग रहा है इनके बिल्कुल पीछे पीछे कोई चल रहा है। और चलते 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 ये पीछे उन्होंने मुड़ के देखा, कोई है तो है ही नहीं, और पीछे से इनको फिर से पकड़ लेता है वैसे ही गलत तरीके से और बोले चलो बेडरूम में। ये बहुत तेज चिल्लाती हैं और कोई दिख तो रहा ही नहीं है, लेकिन इन्हें इस बार ऐसा लगा कि इन्होंने करण का चेहरा देखा। पीछे मुड़े जब तो इन्हें ऐसा लगा करण का चेहरा वही वाला जो शीशे घुसे हुए इनके चेहरे में। अब एक तो ऐसा हो रहा है, ऊपर से कोई आत्मा भूत प्रेत कुछ भी कह लो आप, और ऊपर से चेहरे में कांच घुसे हुए, मतलब तीनों चीज़ें ऐसी हैं जो डराने में और बढ़त होती जा रही है। ऐसा कोई तीनों चीज़ एक साथ हो जाएं तो इंसान कितना डर जाएगा। ये बहुत बुरी तरह डर जाती हैं और भगवान के सामने अपने इनके घर में जो मंदिर है छोटा सा
उसके आगे हाथ जोड़ने लगती हैं कि हे भगवान मेरे साथ क्या हो रहा है क्या हो रहा है, और बस भगवान के आगे वो करने लग जाती हैं। और करते 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 भगवान के आगे हाथ जोड़ रही हैं, फिर भी इन्हें डर लग रहा है, और डरते डरते ये किसी तरीके से फिर वापस बाहर भाग ही जाती हैं आज फिर से। और भागने के बाद फिर वही ज्योति के घर पे कि ज्योति मुझे अपने घर में डर लग रहा है, बताती कुछ है नहीं, मुझे डर लग रहा है, एक काम कर थोड़ी बहुत देर के लिए, अब तक बच्चे नहीं आ जाते ना, जरा मेरे घर पे मेरे साथ बैठी रहे, या तो मैं तेरे घर बैठ जाती हूँ। तो कौन मना कर रहा है भाई, रिश्तेदार हैं, बोलो बैठो दीदी क्या हुआ। अब उसे पता था कि इनके साथ ऐसा ऐसा होता है तो ऐसा कुछ हुआ होगा। अब थोड़ी बहुत देर बाद ये नॉर्मल होती हैं और वापस अपने घर चली जाती हैं। जैसे ही बच्चों की आवाज़ आती है इनको कि बच्चे आने वाले हैं, और स्कूल के बच्चे आ रहे होते हैं ना, तो लगता है कि चलो बच्चे आ ही रहे हैं, मैं भी अपने बच्चों को ले आती हूँ। तो ये जाती है अपने बच्चों को लेने के लिए स्टैंड पर और स्कूल बस से जहाँ बच्चे आते हैं, और लेकर अपने घर में आ जाती हैं अब। और आप देखो डर के मारे अपना घर का गेट तक खुला छोड़ गई थी उस दिन। अब शाम को इनके हस्बैंड आते हैं और अपने हस्बैंड को आज नहीं मानती हैं, आज सोचती हैं कि अगर इन्होंने आज मेरे से कुछ बोला ना आज लड़ मरूंगी इनके साथ, कि ये मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। एक काम करते हैं कि दिखा लेते हैं किसी बाबा को किसी पंडित को कहीं दिखा लेते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि हमारे हमने हमसे कुछ गलती हो गई हो, और जब करण हमें करण की आत्मा हमें परेशान कर रही है। ऐसा ही होता है, शाम को जब अमित आता है तो सारी बात बताती हैं और सारे किस्से एक साथ बताती हैं कि देखो मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ और समझो इस बात को, कुछ तो है, ये करण ही है, और करण मरने के 4 साल बाद वापस आया तो पक्का कुछ ना कुछ है। और देखो मरने के बाद कोई किसी का होता नहीं है, और ये भूत प्रेत किसी का सगा है नहीं। बहुत समझाने के बाद अमित बोलता कि हाँ देखो लग तो मुझे भी रहा है ऐसा, और एक काम करते हैं किसी ना तांत्रिक किसी बाबा किसी पुजारी को दिखा लेते हैं एक बार, किसी पंडित जी को। तो अब इसको कहीं सांस में सांस आती है कि चलो मेरा पति मेरी बात का विश्वास तो कर रहा है। अब घर में एक अलग सा माहौल है, मतलब घर में किचन में एक अगर एक गिलास भी गिर जाता ना रात को तो उन्हें ऐसा लगता है कि करण ही गिरा रहा है। होता ना कि वहम तो किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा देता है। अब अगले दिन होता है, मतलब अगले दिन की सुबह होती है, और आज इनकी बात तय थी कि हम जाएंगे किसी को दिखाने के लिए। और जैसा रोहन की पत्नी ने बताया था ज्योति ने कि ऐसा ऐसा है, वो एक देवी की पूजा करती हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी पुजारिन है जो यहीं पास में है 4-5 किलोमीटर दूर, एक बार वहाँ चले जाना दीदी अगर आपको कभी ऐसा हो तो, बातों बातों में उसने पहले बता दिया था। तो इनके आज तय था कि आज हमें वहीं जाना है। लेकिन जब ही इसके पति अमित को याद आता है कि अरे वो दुकान की चाबी तो मैं अपने साथ ही ले आया हूँ, और फिर नौकर दुकान खोलेगा कैसे, तो एक काम करो मैं तुम नहा धो लो, इतने बच्चे स्कूल गए हुए हैं, और मैं 10 मिनट में आता हूँ बस, और दुकान खोल आऊँ बस, और बाकी नौकर बैठ जाएगा आज पूरे दिन, मैं 10 मिनट में आया बस। तो बोला हाँ एक काम करना जल्दी आ जाना, आज ज़रूर जाना है वहाँ पर। तो बोला एक काम करो मैं नहाने जा रही हूँ, और मैं एक काम कर रही हूँ गेट बंद नहीं करूँगी जो ये वाला है ना अपना, और इससे कुर्सी लगा देती हूँ ताकि जब तुम आओ तो मेरे को अंदर से आना ना पड़े, देखो नहाने में टाइम लग जाता है, बाल धोने मेरे को आज। तो बोला हाँ ठीक है। अब ये क्या करती है, अंदर से गेट की कुंडी नहीं लगाती हैं जो इनका मेन गेट है उसकी, और सिर्फ ऐसी भेड़ कर उसके पीछे कुर्सी लगा देती हैं ताकि जब इनके हस्बैंड आए तो इनको कुर्सी खिसकने की आवाज़ से पता चल जाए कि अमित ही है। और ये नहाने के लिए बाथरूम में घुस जाती हैं। इन्हें बाल वाल धोते हुए लगभग 5-7 मिनट हो चुके हैं अपने, नहा रही हैं, और नहाते नहाते इनको आवाज़ आती है कि जैसे किसी ने गेट खोला। तो और कौन गेट खोलेगा, अमित ही आने वाले थे, लग रहा है थोड़ा जल्दी आ गए, तो एकदम से आवाज़ लगाती है कि अमित तुम ही हो ना, तो अमित का कोई जवाब आता नहीं है वहाँ से। फिर से आवाज़ लगाती है अमित अमित, अब अमित हो तो जवाब दे, अमित है ही नहीं। अब इन्हें ऐसा लगता है कि एक बार झांक कर देखूं कि थोड़ा सा गेट खोलकर कोई कौन है, कोई और तो नहीं आ गया, कहीं कोई और तो नहीं घुस गया घर में। ये बड़ी हिम्मत सी करती हैं और बाथरूम का थोड़ा सा मैक्सी वैक्सी पहनकर थोड़ा सा बाथरूम का गेट खोलती हैं, आधी अधूरी सी नहीं है, मतलब आप समझ लो बीच में ही थी नहाने के पूरा कंप्लीट। तो ये गेट खोलती हैं, थोड़ा सा गेट हो ना, 1 इंच गेट खोला होगा, 1 इंच गेट खोलकर जैसे ही एक आंख से देखती हैं उस तरफ गेट की तरफ, करण दिखाई देता है। इंसान नहा रहा है, देख लो नहाते हुए तो बोल नहीं सकते ना कि नींद में है, इसके मन में कुछ चल रहा होगा, इन्हें करण दिखाई देता है। ये एकदम से गेट बंद कर लेती हैं, गेट बंद करा, गेट बंद करते के मुश्किल से 1 सेकेंड भी पूरा नहीं हुआ है, इनका गेट बाथरूम का गेट इतनी तेज तेज थपथपाया है कि जैसे मान लो उस गेट को तोड़ ही देगा करण बाहर से। और आवाज़ आई ने गेट खोल मैं भी आऊँगा अंदर, गेट खोल। ये अंदर इनके सांस ऊपर नीचे हो चुके बिल्कुल डर के मारे, इनकी चीख भी नहीं निकल रही है,
बहुत डरनी है बहुत बुरी तरीके से, तब इन्हें एहसास होता है कि अगर एक करण ही है और करण की आत्मा ही है तो ये तो अंदर भी आ जाएगा, इसके लिए क्या गेट क्या कुछ। ये उसे गालियाँ देने लगती हैं फिर से कि चला जाए यहाँ से, ये है वो है, और बहुत तेज से चिल्लाने लगती हैं। जब ही इतने ही अमित आ जाता है अंदर। अमित देखता कि गेट खुला हुआ है और अंदर से ये चीख रही है, कौन? सीमा। बहुत जोर जोर से चीख रही है। तो जब चीखते चीखते अमित इस बार गेट खटखटाता है, बोलो सीमा सीमा सीमा, चिल्ला क्यों रही है? अब सीमा को तो ऐसा लग रहा है कि बाहर जो खड़ा है वो सिर्फ करण ही है। बहुत देर चिल्लाने के बाद, लगभग 2 मिनट तक समझाने के बाद, सीमा मैं हूँ अमित, जब जाके कहीं उसे होश आता है अंदर, वो गेट खोलती है और बहुत ज़्यादा डरी हुई कि करण था, मैंने करण को देखा और वो गेट थपथपा रहा था बहुत तेज। बोला कोई गेट थपथपा थोड़ी रहा था, अभी तो मैं थपथपा रहा था गेट को। बोला नहीं, तुम्हारे आने से पहले वो ही था, मैंने उसको देखा और वो ऐसा बोल रहा था मैं अंदर आऊँगा। अब ये बहुत ज़्यादा दोनों के दोनों डर गए उसकी हालत देख कर, सीमा को देखकर। अमित एकदम अजीब हो गया है, बोला मेरी बीवी को लग रहा है ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। वो बोलता है काम कर तू नहा ले ठीक से, मैं बाहर ही खड़ा हूँ गेट के बाहर, डर मत, और नहा धो के आज ही चल रहे हैं। और ऐसा ही होता है, ये नहा धो के चले जाते हैं जहाँ रोहन की बीवी ने बताया था। अब जैसा मैंने आपको बताया, इनके घर से थोड़ी दूर ही था, तो ये अपनी गाड़ी में जाते हैं आज, अपनी देवरानी को लेकर और अपनी दूसरी देवरानी को लेकर भी जाते हैं जो करण की वाइफ थी। अमित, करण की वाइफ, रोहन, रोहन की वाइफ और सीमा, ये सारे के सारे लोग जाते हैं, क्योंकि पूरे घर में ये बात फैली हुई थी और सब लोग फील कर रहे थे भाई रोज इतना ड्रामा हो रहा था अमित के घर में। सब पूरा परिवार साथ है और सब के सब जाते हैं वहाँ पर। अब रोहन की बीवी तो पहले से ही इन देवी को बहुत पूजती अपने घर में, और जिनके यहाँ गई है उनको भी बहुत मानती है, जो पुजारिन है दशा माता की। अब ये जाते हैं वहाँ पर और सारी सारी बात, पूरी बात एकदम विस्तार से बताते हैं उन्हें। और बताने के बाद वो जो अम्मा हैं, अम्मा पुजारिन मैं बोलूँ उनको, पुजारिन बोल देते हैं, जो पुजारिन है वो बताती हैं ध्यान व्यान लगा के, वो अपनी गद्दी पर बैठी हुई हैं। दरअसल उनके ऊपर बताते हैं कि दशा माता की सवारी आती है। तो काफ़ी देर बैठे होने के बाद, ध्यान व्यान लगाने के बाद वो बताती हैं कि जो तुम फील कर रहे हो ना, वो करण की भटकती हुई अतृप्त आत्मा है। तो अतृप्त आत्मा सुनते के साथ बोलो ऐसा क्या रह गया, हमने तो सारे के सारे उसके जो भी विधि विधान था सारा पूरा करा, भाई उसके नाम से दान वान भी करा, जो कुछ भी इनके अपने यहाँ होता होगा इनके गाँव वाँव में। बोला नहीं, इसकी बीवी से पूछो, ये बताएगी कि जब वो आखिरी समय इससे मिलके गया था तो क्या वो इससे कुछ कह रहा था। अब इसकी जो करण की वाइफ है एकदम चौंक जाती है कि ये आखिरी टाइम वाली बात इनको कैसे पता। तो बोलती हाँ कुछ कह तो रहे थे। तो बोला वो खाना मांग रहा था ना तुझसे। बोला हाँ खाना मांग रहे थे, मैं खाना बना ही रही थी किचन में और उनका अचानक से कॉल आ गया और वो चले गए। हाँ खाना तो मांग रहे थे। तो बोला वो तुझसे कुछ और भी कह रहा था ना। अब ये थोड़ी शर्म वाली बात थी, तो वो पुजारिन अमित को और रोहन को बोलती हैं काम करो तुम 2 मिनट के लिए बाहर जाओ, लेडीज़ वाली बात है, 1 मिनट तुम बाहर जाओ। तो बाद में जब ये लोग चले जाते हैं बाहर तो पूछते हैं कि वो तुझसे कुछ और भी कह रहा था। अब वो बताते हुए थोड़ा शर्माती है लेकिन बोलो बता बता सच बता, मुझे पता है और मैंने देख लिया कि वो तुम्हारे बीच में कुछ ऐसा था। तो बोला हाँ वो थोड़े से ज़्यादा रोमांटिक हो रहे थे और मैं उनको मना ही कर रही थी। अब ये रोमांटिक का मतलब आप समझ जाइए, मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता कि अपनी पत्नी के साथ घर में अकेले रोमांटिक का मतलब क्या होगा। तो मैंने उनको थोड़ा झटक दिया और इतने उनका कॉल वॉल भी आ गया और वो चले गए। तो ये पुजारिन बताती हैं कि ये जो तेरी भाभी के साथ, मतलब जो तुम्हारी दीदी है उनके साथ हो रहा है, ये सब उसी वजह से हो रहा है। और पता नहीं ऐसा क्या है कि ये तेरे पास आने के बजाय जा रहा है अपनी भाभी के पास। तो इतने ही सीमा बोलती है कि गुरु माता आप एक काम करो ना, आप पूछ लो, अगर वो करण ही है तो करण ही बता देगा। अब होता ना उनके मन में ऐसा है कि इंसान के पास कुछ शक्तियाँ होती हैं तो अनलिमिटेड शक्तियाँ होती हैं, वो कभी भी किसी भी किसी से भी पूछ सकते हैं। तो वो बताती हैं कि उसके लिए उसे यहाँ बुलाना पड़ेगा, ऐसा थोड़ी है कि कभी भी किसी से भी कुछ भी पूछ लो, ये तो मैंने अपनी शक्तियों से बताया है। अब ये वो ऐसा क्यों कर रहा है तो उसी से पूछना पड़ेगा। तो सब बोलते हैं पूछ लो, अगर बता दे तो वो, और हमसे ऐसी क्या गलती हो गई भाई, हम तो इतना प्यार से रहा करते थे। तो वो पुजारिन भी बताती हैं कि ऐसा है, मरने के बाद कोई किसी का नहीं है, शरीर ही जब तक है, जब तक ही अपना और तेरा है, उसके बाद कोई किसी का नहीं है। तो जो वो आज तुम्हारे साथ कर रहा है ना, तुम इस बात को बिल्कुल ध्यान में मत रखो कि वो तुम्हारा अपना है, अब वो तुम्हारा अपना नहीं है,
वो तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि अगर वो अपना होता तो ऐसी हरकत करता ही नहीं अब मरने के बाद। तो बोलो बताओ फिर हम इससे कैसे छुटकारा पाएं कि हमारे परिवार के साथ ऐसा ना हो। तो वो बताती हैं कि तुझे इस ज्योति ने पहले भी कुछ बताया था। भाई इतनी पहुंची हुई चीज़ हैं ये, मतलब चीज़ तो नहीं बोलूँगा, बहुत पहुंची हुई औरतें हैं पुजारिन। ये बोलती हैं कि तुझे रोहन की बीवी ये जो ज्योति है इसने बताया होगा कि तू दशा माता की पूजा करने लग और उसके बाद तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन तूने इसकी बात नहीं मानी। अब ऐसा होता है ना, जो जिसका भी इष्ट होता है, इष्ट देवता होता है, इष्ट देवी होती है, उनका विश्वास सिर्फ उस पर ही होता है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि इनके अलावा और कुछ है नहीं। तो ये जो पुजारी है ये भी अपनी इष्ट देवी की ही ज़्यादा प्रशंसा करती हैं, और भाई इनमें ताकत है भी, इनकी शक्ति है भी बहुत। तो ये बोलती हैं कि तेरे को इस ज्योति ने बोला था ना कि दशा माता की पूजा करने लग और उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा तेरे साथ, और देख जब से ये इनकी शरण में आई है माता की उसके बाद से कैसा सब कुछ चल रहा है इसका। तो बोलती है कि ठीक है मैं भी अब इनकी पूजा करा करूँगी, बताइए कैसे कैसे क्या विधि विधान होता है। बोलो वो तो सब तेरे को ये बता देगी, लेकिन एक काम कर, यहाँ जहाँ मेरी जोत जल रही है यहाँ से एक जोत जला के ले जा और उस जोत को अपने घर में रखना और उस जोत स्वरूप की ही पूजा कर तू। कोई मूर्ति कोई कुछ नहीं पूजा करनी तुझे, उस जोत को ही माता बना के पूजा करनी है, और वो जोत बुझनी नहीं चाहिए। मतलब वो जोत जो होती है वो अखंड जोत रहनी चाहिए और वो कभी बुझनी नहीं चाहिए। अगर वो कभी नहीं बुझेगी तो समझ ले तेरे घर में हमेशा सब कुछ ठीक रहेगा। और जो धूप बत्ती वगैरह जो तू करेगी, और ये कुछ मैं बभूत तेरे को यहाँ से भी दे देती हूँ, ये अपने घर में डाल देना जिससे तेरे वो घर में कभी नहीं आएगा। और उनका कॉन्फिडेंस देखकर ये एकदम सेटिस्फाई हो जाती हैं, बोला हाँ हाँ ठीक है, और वहाँ हाथ जोड़कर और आ जाते हैं। अब इन जो दशा माता की पुजारी ने इनके बारे में एक बात और बता दूँ जो इन्होंने बताई है, कि उन्होंने एक रुपया भी नहीं लिया ये सब बताने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं, बल्कि अपनी तरफ से उन्होंने अपना इतना टाइम और दिया। तो ये लोग आ जाते हैं वहाँ से जोत लेकर और अपने घर में ये एकदम पूरे मन सच्चे मन से उनको मानने लगती है, दशा माता की पूजा करने लगती है, जैसे ऐसे भाई रोहन की वाइफ ज्योति ने बताया और उसको तो उन पुजारी ने बताया होगा। लेकिन उसने एक और बात बोली थी कि अगर तुम्हारे मन में बिल्कुल सच्ची भावना नहीं होगी इन देवी के प्रति तो कुछ नहीं होगा, अगर तुम सिर्फ दिखाने के लिए पूजा करोगे तो। तो पूरे सच्चे मन से ये पूजा कर रही हैं अपना, और जब तक ये ज्योत और ये भभूत इनके घर में है, इनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो अब ऐसा समझें कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं हुआ है कि जब तक घर में ये ज्योत है और ये भभूत घर में डली हुई है कि वो घर में नहीं आएगा। अब घर में नहीं आएगा तो बाहर तो आ सकता है, ऐसा ही होता है। अब एक दिन फिर से रात को 8-9 बजे का टाइम होगा, अमित भी है घर में और सब हैं घर में, मतलब अमित सीमा दोनों बच्चे। इसकी बेटी को आवाज़ आती है बाहर से कि कोई बुला रहा है। अब 8-9 बजे का टाइम इतना लेट तो है नहीं कि बच्चा बाहर जा रहा है तो मना करेंगे, इसे लगता है कि बगल वाली चाची के घर जा रही होगी अपने। तो ये गेट के बाहर जा रही है और बच्चे को ऐसा लगता है कि बीच में कोई चौखट पर बैठा हुआ है और इसे जाने नहीं दे रहा है, और सामने से करण चाचू बुला रहे हैं। ये गुड़िया आवाज़ लगाती है अपनी मम्मी को, बोलो मम्मा ये देखना ये आंटी मुझे बाहर नहीं जान दे रही है। और खुली आंखों से सच में सीमा ने भी उन्हें देखा कि ऐसा लगा कि कोई औरत चौखट पर बैठी हुई है, और ऐसे बैठी हुई है कि जैसे ना किसी को बाहर जाने दूंगी ना किसी को अंदर आने दूंगी। और उन्हें सामने करण दिखाई देता है, और ये जो औरत बैठी हुई है ये बोल रही है कि ये मेरे बच्चों का घर है, यहाँ तू नहीं आ सकता, और चला जाए यहाँ से, अंदर आया तो तू भस्म हो जाएगा। ये बोलते बोलते ये एक 2 सेकंड की बात हुई होगी, पूरी 2 सेकंड में इनकी आंखों के आगे से वो करण गायब और ये जो औरत बैठी है ये औरत गायब। ये सारा खेल 2 सेकंड में ही हो गया। अब इन्हें बहुत अजीब लगता है कि ये औरत कौन थी, अब तक तो करण ही दिखाई देता था, अब ये औरत भी दिखाई देने लगी मुझे। अब ये जाती है ज्योति के पास, ज्योति को आवाज़ लगाती है बाहर से, ज्योति आती है और सारी कहानी बताती कि ऐसा ऐसा था। तो ये लोग, भाई दीदी मेरे को तो पता नहीं, और ऐसा तो नहीं कि माता आपकी रक्षा करने आई हूँ। बोला नहीं एक काम कर, कल चलेंगे उन पुजारिन के पास और वहाँ पूछेंगे कि अब तक तो मेरे पीछे यही पड़ा हुआ था, अब ये और कौन औरत मुझे दिखने लग गई। वो जाते हैं उनके घर पे, मतलब उनके जो भी, हालांकि वो अपने घर पर ही उन्होंने गद्दी बनाई हुई थी, तो उनके यहाँ जाते हैं और सारी बात उनको बतानी कि ऐसा ऐसा रात को हुआ, मेरी बेटी को बाहर बुला रहा था और उन्होंने बाहर नहीं जाने दिया। को लेडीज़ थी
तो वो बताती हैं कि पागल तुझे तो खुश होना चाहिए कि वो तेरे घर साक्षात आई थी। तो बोला कौन आई थी? बोला उन्होंने तेरे को कुछ बुरा किया? बोला नहीं किया, बल्कि उसको डरा के भगा दिया। बोला हाँ भगा दिया। बोला वो खुद दशा माता आई थी तेरी घर की रक्षा करने के लिए, लगता है तूने आज वो भभूत गेट पर नहीं डाली थी। तो उसे याद आता है कि हाँ वो आज जो भभूत जो है जो दी हुई है वो आज इसने अपने गेट पर नहीं डाली थी। बोले इसलिए दशा माता खुद गेट पर तेरी रक्षा कर रही थी तेरे घर की। और अब समझ ले कि तुझे जीवन में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, कि जिसकी रक्षा खुद माता करे और तेरे घर में अब ऐसी कोई परेशानी नहीं होगी, अब तू निश्चिंत रह, बल्कि तू खुश हो जा और जाके हाथ जरूर जोड़ियो अपने मंदिर के दोबारा। तो जाके ऐसी करती हैं और ये बहुत खुश हैं। अब मन में जहां अब तक डर था, अब वो डर थोड़ा सा खुशी में बदल गया कि चलो भाई एक देवी मेरी रक्षा कर रही हैं, इससे बड़ा और क्या ही होगा मेरे लिए। अब 3-4-5 दिन बीत गए, इनके साथ कुछ भी नहीं घटा, बिल्कुल कुछ नहीं, एकदम सब नॉर्मल चल रहा है, ना इन्हें सपना आ रहा है, ना ही कई करण की आवाज़ आ रही है, ना कहीं दिख रहा है। अब 4th-5th दिन शाम को ये बाहर अपने सोफे पे बैठी हुई थी, सोफे से इनका गेट बाहर दिखाई देता है, मतलब बाहर गली से जो कोई भी आ रहा है दिखाई दे जाता है। इनके हस्बैंड आते हैं, अपनी स्कूटी खड़ी करते हैं और स्कूटी खड़ी करके अपने घर ना आने के बदले चले जाते हैं करण के घर, मतलब इस तरफ चले जाते हैं राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड में रोहन का घर है, राइट साइड में करण का घर है, तो राइट साइड को चले जाते हैं। तो उन्हें लगा कि करण के घर क्यों जा रहे हैं ये, करण के घर पे कोई और है तो है नहीं, तो उधर जा रहे हैं। पीछे पीछे ये भी चल देती हैं कि बेटा एक काम करो, मैं एक मिनट में आ रही हूँ, बच्चों को बोल के। इतने ही करण का जो गेट है वो उसकी वाइफ खोलती है, वहाँ वो गेट खटखटाता है और अमित झपट पड़ता है अपनी बहू पर। झपट पड़ना मतलब एकदम से पकड़ लेता है, और जो शब्द उसने बोले वो एग्जैक्ट वही शब्द थे जो करण लास्ट टाइम में अपनी बीवी से बोल के गया था, एग्जैक्ट वही सब कि मुझे भूख लग रही है, खाना दे दे और चलना रोमांच करेंगे। सेम अब मैं आपको पूरा नहीं बता रहा हूँ कि जो जो उसने बोला था एग्जैक्ट वही सब बोला। अब वो सब सामने बोल कौन रहा है? इनके जेठ। अब जेठ ऐसा बोले, बातें सारी वही, एकदम तो कॉल रिकॉल नहीं कर पाती कि ऐसा क्या बोल रहा है, लेकिन उसे ध्यान आता है कि मेरे पति ने बिल्कुल सेम टू सेम मेरे से बोला था। और वो बोलती है क्या कर रहे हो जेठ जी? बोलो मैं करण हूँ। वो अपने आप से कबूल करता है कि मैं करण हूँ और मैं वापस आ गया हूँ, अब नहीं जाऊँगा यहाँ से कहीं, उस घर में तो मैं जा नहीं सकता, अब मैं तेरे पास आया हूँ। करण का नाम सुनते के साथ देखो वैसे तो बीवी को खुश आना चाहिए, लेकिन उसके तो होश उड़ गए, भाई मरा हुआ पति थोड़ी वापस आ जाएगा, और जैसा उसने बोला था कि वो अब तुम्हारा अपना नहीं है, वो जो कुछ भी आएगा कुछ ना कुछ नुकसान करने ही आएगा, ध्यान रखना। बहुत तेज से चिल्लाती है वो, और इतनी बातें ही हो रही थी कि सीमा पीछे पीछे आती घर में घुस जाती है। अब वो देखती है कि ऐसा ऐसा हो रहा है और ऐसा वो पकड़ रखा पीछे से और वो जबरदस्ती कर रही है छूटने के लिए, एकदम से चिल्लाती है अमित क्या कर रहे हो तुम ये? तो वो जैसे कोई आदमी पोसेस्ड हो जाता है, अब पोसेस्ड तो वो था ही, उसके शरीर में थी करण की आत्मा, वो ऊल जलूल बकने लगता है, धक्का दे देता है अपनी, हालांकि उसकी अब ये पत्नी तो है नहीं क्योंकि उसके अंदर तो करण है, तो वो सीमा को धक्का दे देता है। सीमा चिल्लाती है और इधर करण की वाइफ चिल्ला रही है, इतने ही रोहन और भी एक दो लोग आ जाते हैं अगल बगल से और उसको पकड़ते हैं अमित को। अमित बहुत जोर जोर से चीख चिल्ला रहा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, जैसे भी पोजेस्ड इंसान करता होगा आप समझ लो बिल्कुल वही कर रहा है। शाम का टाइम हुआ है, ये लोग किसी तरीके से, वो जो रोहन की वाइफ ज्योति है वो अपने घर में से जाती है, वो भभूत लेके आती है और माथे पे लगा देती है अपने जेठ के, भाई जिसके सामने कभी इतना पढ़ना नहीं होता लेकिन क्या करे, जब ऐसी हरकत हो रही है तो इंसान क्या ही करेगा। तो वो निकाल कर लाती हैं भभूत और उसके माथे पे लगा देती हैं, और माथे पर लगाते के साथ भभूत उसे आराम पड़ जाता है और वो शरीर उसके अंदर से चला जाता है। अब पूरा घर हिल चुका है, अगल बगल वालों ने जो देखा वो सिर्फ वो ही विश्वास कर सकते हैं जिन्होंने वो सब देखा। अब जो ये एक्सपीरियंस होता है ना बहुत डरावना होता है, मैंने भी एक बार किसी को पोजेस्ड इंसान को देखा है कि पोजेस्ड इंसान के अंदर इतनी ताकत आ जाती है कि 4-4 लोग मिलकर रुक नहीं पाते। तो जिन लोगों के सामने ऐसा हुआ वो लोग पूरा विश्वास कर रहे थे कि हाँ ये बहुत जो कुछ भी है बहुत गलत है, तो आप एक काम करो इनको किसी को दिखा दो जाके, अभी दिखा दो। तो वो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते और ले जाते हैं उन पुजारी इनके यहाँ पे। अब इतनी रात को कोई आया है तो देखो फैमिली तो उनकी भी होगी, लेकिन इतना परेशान देखने के बाद वो वापस आती हैं, बैठती हैं अपने कमरे में। अब बोलती हैं बताओ क्या हुआ?
और वो मना करती है कि अभी रात को रहने दो, रात को थोड़ा सा ना सही नहीं रहता ये सब, तो एक काम करना कल सुबह आना। जब ही करते करते जैसे ही उसके कमरे में वो एंटर कर लेके आते हैं अमित को, अमित कमरे में घुस नहीं रहा था क्योंकि अंदर जो भी देवी का स्वरूप है वो था, जो जल रही है और एक अलग सा एनवायरनमेंट था, अलग ही वाइब्स थी वहाँ की। तो अमित अंदर घुस नहीं रहा है, अमित को लेके आते हैं जबरदस्ती पकड़ पकड़ा कर। और जब वो अमित की हालत देखती है ना तो वो फिर ऐसा नहीं बोलती कि कल आना, वो उसे अपने पास बिठाती हैं, बोले इसे मेरे पास लेके आओ। यहाँ पास बिठा कर बहुत सारी मुट्ठी भर भभूत लेकर उसके पूरे पर चेहरे पर रगड़ देती हैं, उसके बालों में चेहरे पर, कि क्यों परेशान कर रहा है तू, इन्हें है कौन तू ये बता, नहीं मानेगा। वो बहुत जोर जोर से चीखता है, बोला नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, क्या कर लोगी मेरा। बोला करेंगे तो हम तेरा कुछ नहीं, लेकिन बता इनको परेशान क्यों कर रहा है, ये तेरा अपना परिवार है, इसको परेशान क्यों कर रहा है। अब वो कुछ बताता बताता है नहीं, बस मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। वो बाल पकड़ती है उसके और बोलती है देख रही ना ये जोत, इस जोत से तेरा चेहरा जला दूंगी, मतलब तुझे जला दूंगी और तेरी आत्मा भी जल जाएगी, समझ रही है, समझ रहा है तू। वो जो पुजारी ने वो ऐसा ऐसा कह के मतलब उसको बुरी तरीके से डांट रही होती हैं और उसे धमका रही हैं देवी की शक्ति दिखाकर कि देख अगर ये देवी हावी हो गई ना तुझ पर तो तू कहीं का नहीं रहेगा, तेरी आत्मा को शांति क्या, तेरी आत्मा ही भस्म हो जाएगी, चला जा, तेरी आत्मा को शांति के लिए हम सब जो कुछ भी होगा वो करेंगे, चला जा। बहुत मुश्किलों के बाद जो जो कुछ होता होगा उन देवी के ऊपर वो सवारी आई माता की, और उसके बाद तो बताते हैं कि अमित के शरीर को उसने छोड़ दिया। भाई कहाँ एक आत्मा और कहाँ देवी। और जो लोग विश्वास नहीं करते ना कि किसी के ऊपर सवारी आती है और देवी उनके अंदर आ जाती हैं, तो ये तो देखो अपने अपने मानने की बात है। उसके बाद से कभी करण का कोई किस्सा नहीं हुआ इनके घर में और अमित भी बिल्कुल ठीक है। अब ये सब बात जब वो उनका कॉल कल भी आया तो कल बताते बताते मेरी वाइफ ने बोला कि तेरी जो साथ तेरे हुआ ये सब तो कहे, तो उसे पता है कि मैं स्टोरीज डालता हूँ ऐसी, तो उन्होंने बोला कि हाँ उनको बोल देना कि बस वो मेरा नाम और मेरे देवर का असली नाम और असली वो ना बताएं कि वो किसके यहाँ काम करा करते थे, क्योंकि बहुत फेमस आदमी के यहाँ करण काम करा करता था और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है उनके एक्सीडेंट के बारे में। अब मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि देखो किसी की पर्सनल लाइफ इफेक्ट होगी, लेकिन हाँ दशा माता और ये सब कहानी जो जो ये सब बातें सुनेगा और जिनके सामने ये सब हुआ है उन लोगों को ये पता चल जाएगा कि हाँ ये किसके बारे में बात हो रही है। तो आज की हमारी कहानी यहीं तक थी, आप सुन रहे थे सूरज यादव को, और फिर से मिलते हैं किसी ऐसी ही एक और सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।